अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। अखिलेश जी, अब मेरे सारे काम हो गए। अरे मगर पंडित जी, विवान के मुहूर्त और तिथि के बारे में हमें बताइए तो सही। विवान और सिमरन की कुंडली मिलाकर अभी आपको समय बताता हूँ। अखिलेश जी, 28 अक्टूबर शुभ मुहूर्त निकला है। वाह क्या बात है। मैं तो यही चाहता था कि आसपास ही कोई तारीख निकले और काम संपन्न हो जाए। दोनों के फेरों का शुभ समय अभी बताता हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डैड एक्सक्यूज मी प्लीज, एक मिनट, मेरा बहुत अर्जेंट कॉलर है, मैं अभी आया। डैड प्लीज। बेटा तुम्हारा ही तो। डैड एक मिनट प्लीज। डैड मैं अभी आया। भाई साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बच्ची आपके घर जा रही है, बहुत सुखी रहेगी। अरे भाई साहब, दोनों बच्चे साथ साथ बड़े हुए हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, बस ये दोनों सुखी रहे और हमें क्या चाहिए। ये विवान कहाँ चला गया? हेलो, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, यहीं पर हूँ। क्या, मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ पे नहीं आना, तुम्हारी जरूरत कैसे यहाँ पे आने की? तुम वहीं पे रुको, समझी, मैं अभी आया वहां पे। क्या हुआ, क्यों आई हो यहां पे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैंने तुम्हें मना किया था ना यहां पे मत आना। अगर मेरे डैड ने हम दोनों को यहां पे देख लिया ना, तो मार देंगे हम दोनों को, समझी तुम? चिल्लाओ मत, वरना अभी अंदर जाकर सबको बता दूंगी कि तुम्हारी असलियत क्या है। देखो प्लीज, प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। पर विवान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। इस तरह की बातें करने का ये सही वक्त नहीं है। तो फिर कब मिलेगा वक्त? जब तुम किसी और से शादी कर लोगे? देखो ऐसी कोई बात नहीं, मैं मिलूंगा तुमसे, जरूर मिलूंगा, शादी के बाद नहीं, शादी से पहले जरूर मिलूंगा, लेकिन अभी प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे ये ज्वेलरी बेचनी है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से देखो और बताओ कितना दोगे। मैडम बुरा मत मानना, ये माल चोरी का तो नहीं ना? क्या तुम्हें मैं चोर लगती हूँ? नहीं नहीं मैडम, पूछना पड़ता है। अरे वाह, इतनी सारी ज्वेलरी और बनावट भी पुराने जमाने की माल होती है। ये बताओ पैसे कितने दोगे? मैडम माल परखने के बाद ही बता पाएंगे ना। कितना वक्त लगेगा चेक करने में? कम से कम 4-5 घंटे तो लगेंगे। आप एक काम कीजिए, आप इसे यहीं छोड़ दीजिए। अगर आप लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दी तो? मैडम भीमलाल का मार्केट में नाम है, लोग मिसालें देते हैं हमारी। ठीक है, आप मुझे ज्वेलरी की रिसिप्ट बनाकर दे दीजिए। ठीक है, अपना नाम बताइए। वंदना। टेलीफोन नंबर? 100-9668926।
ये लीजिए, जैसे ही चेक हो जाएगा हम आपको फोन कर देंगे, ठीक है? ठीक है। मनोहर सर जी, ये सारे गहने चेक कर लो, अगर असली हो तो कमीशन काट के इसकी कीमत भी बता देना। जी जी, और जल्दी करना। जी बिल्कुल बिल्कुल। काफी भारी गाने लग रहे हैं, एकदम असली माल लग रहा है। डिजाइन भी बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत की बनाने वाले ने। पुराने जमाने की लग रही है, आजकल ऐसे डिजाइन बनते कहाँ हैं? चेंडी अजीब तरीके से गायब है, बीच में से टूटा हुआ है। सेठ जी, क्या हुआ मनोहर? सेठ जी, अरे क्या हुआ मनोहर, क्यों चला रहे? सेठ जी, ये इस हाथ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ ये तो खून है। सर आपने सुना है कि कोई इतने महंगे गहने छोड़ के भूल जाएगा? तब से वो औरत कहाँ गई कुछ पता नहीं सर। उस औरत ने अपना नाम और पता तो आपके पास लिखवाया होगा ना? हाँ सर, नाम उसने अपना वंदना बताया था, मैंने उसका फोन नंबर भी लिख लिया। ये अच्छा किया विवेक, उस औरत को फोन लगाओ जरा। सर कोई फायदा नहीं है, वो अपना फोन बंद करके बैठी है। इन गहनों पे खून देखने के बाद मैंने उसे इसके बारे में पूछना तो उसने फोन काट दिया, तब से वो फोन बंद है सर। सर इनमें से किसी भी गहने पे हॉलमार्क नहीं है। से गहने दुल्हन के हैं, शादी के दिन लड़कियां ऐसी गहने पहनती हैं। मतलब किसी दुल्हन का खून हुआ है और उसके गहने लूटने के बाद वो औरत इनके पास बेचने के लिए आई थी। अच्छा आज से पहले आपने कभी उस औरत को देखा है? नहीं सर, पहली बार देखा था उसे। सर ये इनकी दुकान का सीसीटीवी कैमरा फुटेज है, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक जो भी इनकी दुकान में आया गया है इसमें है सर। वेरी गुड, से लगाओ कंप्यूटर में, देखें तो सही है कौन ये वंदना। सर यही तो लड़की है वो। ये वंदना है, डरी हुई लग रही है सर, और कपड़े तो एग्जीक्यूटिव वाले पहने हुए। तो जूते कैसे हैं? तो जूम करो जूतों पे। कपड़े फॉर्मल पहने हुए हैं और जूते स्पोर्ट्स वाले, ये कौन सा फैशन है? दिखने में ठीक ठाक घर की दिख रही है और आई थी गहने बेचने। एक काम करो, इन गहनों को सारों के साहब के पास भेज दो फोरेंसिक में। सर ये खानदानी गहने हैं, किसी ने हाल ही में पॉलिश कराए थे। हाल ही में पॉलिश कराया? जी सर। ये अच्छा है, शहर में जितने भी ज्वेलर्स हैं उन्हें इन गहनों की फोटो दिखाओ, पता करो किसने पॉलिश किया है। फोन करके ज्वेलरी तो लूटी, उसके बाद फौरन ये ज्वेलरी बेचने की कोशिश की। हाँ दया, बस गोली मारकर खून किया गया। गोली मार के खून किया गया? ये कैसे पता चला? ये नेकलेस देख रही हो, ये टूटा हुआ नेकलेस, इसे यहाँ पर गोली लगी है, इस जगह पर गन पाउडर भी लगा हुआ है, मतलब नाइट्रेट्स। डॉक्टर साहब इस नेकलेस पे खून भी तो लगा हुआ था, उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, वो खून एक लड़की का है और उसकी उम्र 20 से 30 साल के बीच की है, उसकी डीएनए रिपोर्ट भी आ गई हमारे पास। सर जिस लड़की का खून हुआ है उसने गहने लूटे हैं या पहने हुए थे? भाई ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये खून उस लड़की का है जिसने गहने लूटे थे या उस लड़की का है जिसने गहने पहने थे। फिर से कंफ्यूजन। लेकिन एक बात बता सकता हूँ बस। सीधी सीधी बात बताना डॉक्टर साहब। सीधी बात ये है, ये खून 10 से 12 घंटे पहले का है। और 4-5 घंटे पहले ये वंदना ज्वेलरी बेचने गई थी। सर तो ये काम वंदना का है। और सर डीएनए रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात ये पता चली हमें कि जिसका भी खून है उसमें बीमारी का एक लक्षण है। कैसी बीमारी? सिकल सेल एनीमिया। लक्षण है तो बीमारी भी जरूर होगी। जरूरी नहीं, कई बार लक्षण होते हैं बीमारी नहीं होती। डॉक्टर साहब
ऐसे तो बहुत लोग होंगे सर। अनिकेत सर, ये सज्जन है, इन्होंने पिछले हफ्ते ये ज्वेलरी पॉलिश किया था। जरा ये ज्वेलरी देखिए। जी। क्या ये वही ज्वेलरी? हाँ सर, ये वही ज्वेलरी है जो मैंने पॉलिश की थी। मालिक कौन है, नाम मालूम है उसका? माय गॉड, दरवाजा तो पहले से खुला है। वंदना, उसकी गाड़ी तो पार्किंग लॉट में खड़ी, दरवाजा खुला छोड़ के ये वंदना कहाँ चली गई? वो नहीं है सर, जल्दी जल्दी में दरवाजा खुला छोड़ के भाग गई होगी। सारा का सारा घर तहस नहस है, आखिर यह हुआ क्या होगा? सर, घर की हालत देख के लगता है कि लूटपाट हुई है। खूनी के घर पे लूटपाट? एक काम करो, देखो अंदर भी यही हाल है क्या। माय गॉड, अजन पुनी को जब तक विश्वास नहीं हुआ कि पूरी तरह से मर चुकी है, वो वार करता ही चला गया। सर, ऑल को छोड़ के पूरा घर ठीक ठाक है। इसका मतलब ये खून लूट की वजह से नहीं हुआ है। नए डब्बे में ये पुरानी सैंडल, ये देखो इस पे मिट्टी लगी हुई, इसका मतलब ये सैंडल पहन के किसी ऐसी जगह पे गई थी जहाँ मिट्टी लगी हुई थी। मगर सर, ज्वेलरी शॉप में तो इसने स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे जो अभी भी इसके पैरों में हैं। सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में भी देखा है। जो कुछ भी हो काजल, लेकिन ये सैंडल तो बाहर से ही आई है। ये औरत हो सकता है हड़बड़ी में आई हो और जल्दी जल्दी में इसने ये बैग और ये यहाँ रख दिया हो। रिसेंट बैग में से ये डेबिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड और ये विजिटिंग कार्ड मिला है। सर, किसी कंपनी का विजिटिंग कार्ड लग रहा है। हो सकता है ये लड़की यहाँ पे काम करती है। एक काम करो, पता लगाओ कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या। सिमरन, ये डिजाइन अच्छा है ना? तुम्हें पसंद है? हाँ। तो मुझे भी पसंद है। अरे ये क्या बात हुई सिमरन, मैं तो यही चाहता हूँ कि आज के बाद हमारा जो भी काम हो वो हम दोनों की पसंद से होना चाहिए। अरे भाई, अगर आप लोगों की बातें बातें खत्म हो गई हो तो मैं सिमरन को कुछ शॉपिंग करा लाऊं। हाँ जरूर, जाओ बेटा, तुम इनके साथ जाओ और शॉपिंग करके आओ। सज्जन जी, आप यहाँ कैसे? सेठ जी, ये सीआईडी वाले आए हैं। सीआईडी? और यहाँ? क्या हुआ सर? ये ज्वेलरी देखिए। आप लोग इस ज्वेलरी को पहचानते हैं? पहचानेंगे, ये हमारे खानदानी गहने हैं। डैडी ने इसे सज्जन जी के यहाँ पर पॉलिश करवाने दिए थे। ओ, तो आप सिमरन हैं? हाँ। मगर ये गहने आप लोगों को कहाँ मिले? ये तो चोरी हो गए थे। चोरी हो गए थे? कब? दो दिन पहले, जिस दिन शादी की तारीख पक्की हुई थी। हमने पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाई थी मगर कुछ हुआ नहीं। इन गहनों की वजह से दो दो खून हो गए। खून? तो खून? ध्यान से देखो इस लड़की को। ये लड़की इन गहनों को लेके ज्वेलरी शॉप में गई थी बेचने के लिए, मगर इसका किसी ने खून कर दिया है। जिस लड़की ने गहने पहने थे उसका भी किसी ने खून कर दिया है। किसने पहने थे ये गहने? हम भी वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दूसरी लड़की कौन है जिसका खून
गहनों पे लगा हुआ था। पहले ये बताइए कि इस लड़की को जानते हैं आप लोग? जी नहीं, मैंने तो कभी पहले नहीं देखा इसे। मैं भी नहीं जानता इसे। अगर आप में से कोई भी इस लड़की को नहीं जानता तो फिर ये गहने इस लड़की के पास कहां से आए? इसने चोरी तो नहीं की होगी? बाहर का कोई आदमी घर के अंदर कैसे घुस सकता है? सर, मुझे तो लगता है ये किसी घर के ही आदमी का घर है, या फिर किसी रिश्तेदार का जो आसानी से घर के अंदर आता जाता होगा। अच्छा, आप में से किसी को किसी पे शक है? नहीं जी नहीं। कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को कोई जानकारी मिली तो हमें इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? वंदना ने इससे पहले कोई गुनाह नहीं किया था, तो फिर ये चोरी के गहने उसके पास आए कैसे? हाँ सर, अगर कोई चोर या लुटेरी होती तो मान भी लेते कि गहने उसने चुराए। 23 अक्टूबर की रात को वंदना कहां पे थी ये पता लगाना चाहिए। उसके फोन कॉल के लिए इससे पता चल सकता है कि उसने किस किस को उस रात फोन किया था और किस किस का कॉल उसे आया था, ये ढूंढो। तो 23 अक्टूबर की रात को लगभग 9 बजे के आसपास इस नंबर से 6 बार फोन किया गया वंदना को। सर पता क्या किसका नंबर है? हाँ सर, कोई मेरिसा नाम की लड़की है, पनवेल में रहती है। मेरिसा? तो फिर देर किस बात की, पूछो इस मेरिसा से क्या हुआ था उस रात को। दया, बस पूरा का पूरा केस ये जो जूते हैं ना, इन जूतों में उलझा हुआ है। ये खून जूते से हुआ है क्या? ये जूते तुम्हें खूनी तक पहुंचाएंगे। देखते हो कौन सा रास्ता है जो हमें खूनी के घर तक ले जाता है। देखो, ये जो मिट्टी तुम देख रहे हो ना, ये मुझे इन सैंडल्स में से मिली, और ये जो मिट्टी है ये मुझे इन जूतों में मिली, और ये दोनों मिट्टी है तो एक ही जगह। इसका मतलब ये सैंडल भी इन्हीं का है? बिल्कुल, लेकिन इस मिट्टी में मुझे एक खास किस्म की मिट्टी और मिली, वो जैसी खेतों में डालते हैं खाद मिला करके, वो मिट्टी इस मिट्टी में मिली हुई। सर मतलब वंदना ये जूते पहनकर खेतों में गई थी? हो सकता है, बिल्कुल। और सबसे कमाल की बात ये है कि ये खाद वाली मिट्टी मुझे सिर्फ इन जूतों में मिली, इन सैंडल में ये मिट्टी नहीं। सर इसका मतलब वंदना ये सैंडल्स उतार कर जूते पहनकर खेत में गई होगी, जहाँ पर उसके जूतों में ये खाद वाली मिट्टी लग गई। हो सकता है। हाँ, मगर ये वंदना खेत में करने क्या गई होगी? सर हो सकता है उसने खेत में कुछ देख लिया। या तो कुछ देख लिया या फिर इसने खुद कोई गुनाह किया होगा और उसके बाद ये जूते पहनकर ये ज्वेलरी शॉप में गई गहने बेचने के लिए। मगर जैसे ही वो घर पहुंची तो उस ज्वेलर ने वंदना को फोन करके उस खून के बारे में बताया जो नेकलेस पे लगा हुआ है। और जैसे ही वंदना ने खूनी को बताया कि नेकलेस के ऊपर खून मिला है, वो डर गया। उसके बाद वो वंदना के घर गया और उसका खून कर दिया। और सर सिर्फ ऐसे नहीं, बड़ी सोच समझ के खून किया गया इसका। सबसे पहले उसने इसकी रीढ़ की हड्डी पे वार किया, ये देखिए फोटोग्राफ्स, जिसकी वजह से अपाहिज हो गई, सारे शरीर ने काम करना बंद कर दिया, और उसके बाद बड़े आराम से खून किया गया इसका। एक बार ये खूनी मेरे हाथ लग जाए। वंदना की दोस्त मरीसा, उससे जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। फटाफट इस मॉडल को फोन करके बुलाओ, मुझे देखना है ये ड्रेस उसके ऊपर कैसी लगेगी। ओके, मिस मरीसा जी, ये 01798543 ये आपका ही नंबर है। लेकिन आप लोग कौन? हम लोग CID से वंदना के खून के बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं। क्या वंदना का खून हो गया? जी हाँ, अभी 2 दिन पहले तो मेरी उससे बात हुई थी। 2 दिन पहले उसका खून हुआ है, और उस वक्त आपने उसे 6 बार फोन किया, और वो भी 1.5 घंटे के अंदर। हाँ, किया तो। और जब ये फोन आपने किए, वंदना उस वक्त पनवेल में थी। अब ये बताने का कष्ट करेंगे कि आप कहाँ थी उस वक्त?
मैं अपने फार्म हाउस वाले बंगले में थी जो पनवेल में है। उस दिन मेरा बर्थडे था और मैंने उसको बुलाया था पार्टी के लिए, लेकिन वो वहाँ पहुंची ही नहीं। लेकिन उसके मोबाइल की लोकेशन तो बता रही थी कि वो पनवेल में। सर वो पंचशील रोड पे थी जो पनवेल में है। वो लेट हो रही थी इसलिए मैं बार बार उसको फोन कर रही थी। फिर पहले तो वो बोली कि यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है। आगे से रहती सर वो अपनी कार से आ रही थी। उस दिन उसे एक लड़की बारिश में भीगती हुई मिली। वो उसको लिफ्ट देना चाहती थी लेकिन उस लड़की ने लिफ्ट लेने से मना कर दिया सर। ये सारी बातें उसने फोन पे बताई तुम्हें? जी सर। इसके अलावा कुछ बताया कि उसका नाम क्या था या दिखने में कैसी थी? उसने नाम तो नहीं बताया। फिर आधे घंटे बाद मैंने उसे खुद फोन किया सर। फिर क्या बोली वो? बोली कि यहाँ बहुत ट्रैफिक जाम है, वो घर वापस जा रही है। सर उस रोड पे तो ट्रैफिक होता ही नहीं है, फिर वो किस ट्रैफिक जाम में अटक गई थी? सर मुझे भी लगा कि वो पता नहीं क्यों आना ही नहीं चाहती है, फिर मैंने ज्यादा जोर भी नहीं दिया उसको। वो पार्टी में जाने वाली थी मगर उसने पहन रखे थे स्पोर्ट्स वाले जूते। वो किसी ज्वेलरी शॉप में चली गई सोने के गहने बेचने के लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्पोर्ट्स शूज तो हमेशा उसकी कार में रहते थे जिम वगैरह जाने के लिए सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वंदना ने उसी लड़की से ज्वेलरी छीनी होगी जो उसे पंचशील रोड पर मिली थी? हो सकता है काजल। एक काम करते हैं, इस पंचशील रोड पे चलते हैं, वहीं से कुछ ना कुछ पता चलेगा। सर यही वो जगह है सर, वंदना यहीं पे थी जब मरीसा ने उसे फोन किया सर। ये तो काफी सुनसान जगह है, यहाँ पे ट्रैफिक जाम होना तो बहुत मुश्किल है। कि वंदना झूठ बोल रही थी मरीसा से। इतनी सुनसान जगह में ये चाय वाला चाय किसके लिए बना रहा होगा? सर शायद इसे कुछ मालूम होगा, किसी से पूछ लेते हैं। ऐसे फोटो दिखाओ वंदना की और कार की। वैसे सुनो, आप देर रात तक यहाँ रहते हो या जल्दी चले जाते हो? नहीं, 10-11 बजे तक चला जाता हूँ। ठीक है, जरा इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये कार और ये लड़की 23 अक्टूबर की रात को 9 बजे के आसपास यहाँ पे देखा क्या? बहुत ही सोच समझ के याद करके बताना। आप लोग हैं कौन? हम लोग CID से हैं। मामला थोड़ा टेढ़ा है लेकिन तुम डरो मत, ध्यान से सोच के बताओ, देखा था इस लड़की को? सर कार तो यही थी, पर कार के अंदर यही लड़की थी ये नहीं कह सकता। अच्छा, कार कोई लड़की चला रही थी या कोई और? सर कार तो लड़की चला रही थी लेकिन यही लड़की है ये नहीं कह सकता। और उसने यहाँ से 2 बार यूटर्न भी मारा था, शायद वो रास्ता भूल गई थी इसलिए गलती से इधर 2 बार आ गई। गलती से 2 बार कैसे आ सकती है? वही तो। डॉक्टर सालुंके के हिसाब से वंदना किसी खेत में गई थी, उसके जूतों पे खाद वाली मिट्टी लगी हुई थी। यहाँ आसपास में कहीं खेत होने चाहिए सर। चलो देखते हैं। सर ये रहा पनवेल का माइलस्टोन। वो लड़की यहीं कहीं खड़ी होगी इसी रोड पर। इसका मतलब वो लड़की सर किसी का इंतजार कर रही थी यहाँ पे खड़ी होकर, तभी तो उसने लिफ्ट के लिए मना कर दिया जब वंदना ने लिफ्ट ऑफर की। वो सामने खेत है ना, हो सकता है वंदना के जूतों पे मिट्टी किसी खेत से आई है। चल के देखते हैं जरा। एक मिनट, ये जूते का निशान देखा? ऐसा लगता है जैसे वंदना के जूते के निशान है। सर वंदना के साथ कोई और भी था, ये देखिए सर। ये दूसरा कौन है जो इसके साथ यहाँ पर आ गया? निशान जा कहाँ रहे? एक मिनट, ये क्या है? फावड़ा? इस पे तो खून लगा हुआ है, मतलब तो यहां पे कुछ खोद के गाड़ा गया है। चेक करो।
हाँ सचिन, ये देखिए सर। हाँ मिट्टी बिल्कुल ताजी है। एक काम करो, खोदने का सामान लाओ, खोदो इसे। एक मिनट एक मिनट, तो दुल्हन के कपड़े पहने हुए हैं। मतलब दुल्हन का खून हुआ है। इसके शरीर पे कोई गहने भी नहीं है सर, कहीं ये दहेज वहेज का चक्कर तो नहीं? ऐसा लगता नहीं है, ये खून लूटने की वजह से हुआ है। वंदना ने इसके गहने लूटे और सीधे भागी उस ज्वेलर के पास बेचने के लिए। सर सर ये देखिए, गोली का घाव बिल्कुल इसके गर्दन के नीचे। तभी उस हार पे गोली लगी हुई थी, गोली जेम्स स्टोन को तोड़ के आर पार चली गई थी। इसका चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ दिया जिससे कोई पहचान ही ना सके इसे। पहले गोली मारी और फिर चेहरा खराब कर दिया। सर, लेकिन इसकी इसके चेहरे की हड्डियां तो सही सलामत है। फिर तो सारों के साथ ट्राई कर सकते हैं इसका चेहरा बनाने की, पता चल सकता है ये लड़की कैसी दिखती थी। जरा पलटो इसे। ये देखिए सर, गन पड़ी है। फायर हुआ इससे, ये सबसे बड़ी बात है। मर्डर वेपन का मिलना, इस पे नंबर भी है। एक काम करो, पता करो ये गन किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। जरा इसके माथे की चौड़ाई बताना। सिर्फ माथे की चौड़ाई 2 इंच। 2 इंच दया, अच्छा हुआ बॉस इसके चेहरे की कोई हड्डी नहीं टूटी। अगर हड्डी टूट जाती तो चेहरा बनाना बड़ा मुश्किल होता। खूनी ने इस लड़की की शक्ल खराब की है ताकि कोई इसे पहचान न सके। शायद जल्दी जल्दी में उसे मौका नहीं मिला होगा कुछ और करने का। सर, इस डीएनए रिपोर्ट से ये पता चला कि उस नेकलेस पे जो खून लगा हुआ था वो इसी लड़की का है। सिकल सेल एनीमिया भी है इसके खून में। जी सर, ये लड़की उस सुनसान रास्ते में क्या कर रही होगी? ये लड़की उस सुनसान रास्ते पे शायद किसी का इंतजार कर रही होगी, शायद इसे कोई मिलने को आने वाला होगा। और तब ये वंदना वहां पे पहुंची और इसने उसके सारे गहने लूट लिए। इन दोनों को मारा किसने होगा? निखिल, सीआईडी में काम करते हो ना? हाँ, अरे तो यार फिर अपने दिमाग पर जोर डालो, सोचो कुछ। ऐसे हवा में जवाब नहीं मिल जाते यार। दया। हाँ सर। इधर आओ, चेहरा बन गया। ये देखो बॉस, ऐसी दिखती है ये लड़की। सर, ये फोटोग्राफ हम न्यूज चैनल पे दे दें? नहीं पूर्वी, न्यूज चैनल या अखबार में फोटो देने से खूनी होशियार हो जाएगा। हमें कोई और ही रास्ता निकालना पड़ेगा। सर, पूरे दिन के गहने चोरी हुए थे, वो विमान और सिमरन के परिवार वाले, हो सकता है उन्होंने देखा उस लड़की को।
उनसे चल के पूछ लेते हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि वो लोग मुंह खोलेंगे। खून का मामला है, सीआईडी के झमेले में कोई पढ़ना नहीं चाहता। फिर क्या करें सर? ये लड़की पनवेल में पंचशील रोड पर खड़े होकर किसी का इंतजार कर रही थी, मतलब ये लड़की वहीं कहीं आसपास रहती होगी। शादी का जोड़ा पहना था तो इसकी शादी थी उस दिन। एक काम करते हैं, वहाँ आसपास जितने भी वेडिंग हॉल हैं उनमें जाके पता करते हैं कि उस रात को किस किस ने शादी के लिए हॉल बुक करवाया था। और हाँ, साथ में वहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सब में इस लड़की की फोटोग्राफ दिखा के पता करते हैं कि इस लड़की ने कहाँ से सिकल सेल एनीमिया का इलाज या टेस्ट करवाया था। यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया का इलाज भी होता है और रिसर्च भी। सर अगर उसने अपना यहाँ पर टेस्ट करवाया तो अच्छा है सर, वरना हम लोग फंस जाएंगे। ये आखिरी हॉस्पिटल, देखते हैं, कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक्सक्यूज मी। यस सर। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत सीआईडी से, मैंने आपको फोन किया था उस सिकल सेल एनीमिया के बारे में ना? जी हाँ जी हाँ। सर डीन से पूछकर ये लिस्ट मैंने तैयार कर दी है और ये है सिकल सेल एनीमिया के मरीजों की फाइल। थैंक यू। अरे सिर्फ दो ही मरीज हैं? यस सर। आई सी। इनकी फोटो वगैरह भी नहीं है? ये दोनों कभी कभी आती थी चेकअप कराने, इसलिए फोटो की जरूरत पड़ी नहीं। वैसे दोनों औरतें ही हैं। उन दोनों औरतों में से एक ये भी थी? ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा है सर, मैंने कुछ दिनों पहले ही ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा, ये कौन से डॉक्टर इनका इलाज कर रहे थे? डॉक्टर सोहन। मिल सकते हैं हम लोग? जी सर। डॉक्टर सोहन, आपसे सीआईडी वाले मिलना चाहते हैं। जी कहिए। डॉक्टर सोहन। जी सर। पूर्वी जरा ने फोटो दिखा, आप इस लड़की को पहचानते हैं? ईशा सर, ये तो ईशा है। ईशा? क्यों, क्या हुआ सर? एक्चुअली ईशा का खून हो गया है। क्या खून? जी हाँ। अच्छा आप एक बात बताइए कि ईशा का नाम इस पेशेंट्स की लिस्ट में क्यों नहीं? सर वो यहाँ पर डॉक्टर थी। डॉक्टर थी है? हाँ सर, वो यहाँ पर विजिटिंग डॉक्टर थी। इन्हें सिकल सेल एनीमिया था, वैसे बहुत खुश मिजाज थी, जल्दी उनकी शादी भी होने वाली थी। तो आप गए थे शादी में? जी नहीं सर, उन्होंने किसी को नहीं बुलाया था। इनके घर में कोई है जिनसे हम लोग मिल सके? उनका कोई भी नहीं था, उनके माँ बाप भी नहीं थे, इसलिए वो कुछ परेशान भी थी। क्या परेशानी थी? ईशा जिस लड़के से प्यार करती थी वो लड़का किसी और लड़की से प्यार करता था, मना करता था शादी करने के लिए। मगर एक दिन ईशा ने मुझे आकर बताया कि वो लड़का तैयार हो गया शादी करने के लिए। आपने देखा उस लड़के को जिससे ईशा की शादी होने वाली थी? हाँ सर देखा है। पहचान लेंगे आप? हाँ सर देखूंगा तो पहचान लूंगा। अब क्या हुआ सर, उस दूसरी लड़की के बारे में कुछ पता चला? हाँ पता चल गया। हाँ वो भी आपकी बेटी की तरह दुल्हन थी। आप लोग उसे जानते हैं या नहीं ये तो नहीं मालूम, मगर हमें ये मालूम पड़ा है कि जिस हथियार से उसे मारा गया है वो इसी घर से गया है। हथियार हमारे घर से गया था? जी हाँ, खून आपके परिवार में से किसी ने किया है। जिस गन से उस लड़की का खून किया गया है वो अखिलेश के नाम पे। मेरा? जी, ये है वो गन। इसी गन से उस लड़की को मारा गया है, ईशा को। हाँ? इस गन को तो पहचानते हैं ना मिस्टर अखिलेश? जी। देखिए सर, हम किसी ईशा विशा को नहीं जानते और हम ये भी नहीं जानते कि ये गन वहां तक कैसे पहुंची। इनफैक्ट 20 अक्टूबर को सर ये गन हमारे घर से चोरी हो गई थी। अच्छा, उस दिन जब हम आए थे तो गहने चोरी होने का बहाना और अब गन चोरी होने का बहाना, ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? देखिए उस दिन खून की बात सुनकर हम कुछ डर गए थे, इसलिए आपसे नहीं कह सके, लेकिन एफआईआर लिखवाई थी हमने गन चोरी होने की। आप पता कर सकते हैं? ये भी तो हो सकता है मिस्टर अखिलेश,
कि आपने खुद खून किया और उसके बाद ये गन आपने वहां पे छुपा दी और फिर आके एफआईआर लिखवा दी कि ये गन चोरी हो गई। ये झूठ है सर, मैं उस दिन WT होटल गया था रिसेप्शन की बुकिंग करवाने के लिए। आप चाहें तो होटल वालों से पूछ सकते हैं, वो तो हम पता कर ही लेंगे। ये है वो लड़की जिसका खून हुआ है, ईशा नाम है इसका। इस लड़की के खून के बारे में किसी को कुछ मालूम है तो भला इसी में है कि अभी बता दो। देखिए सर, हम किसी ईशा को नहीं जानते सर। मनलोक हॉस्पिटल में डॉक्टर थी ये। सोच लो, थोड़ा और वक्त देता हूं मैं। वैसे सच्चाई के बारे में तो हम पता लगा ही लेंगे। नहीं सर, हम नहीं जानते। रेडी, बुलाओ इन्हें, आईना दिखाओ। आइए डॉक्टर सोहन, देख के बताइए इनमें से कौन है वो जिसकी शादी होने वाली थी ईशा से। ये है सर, मैंने इन्हें ही देखा था ईशा के साथ। अच्छा, कौन ईशा, कैसी ईशा? तुम तो किसी ईशा को जानते नहीं थे ना। क्यों? ये बात सच है सर कि मैं उससे बहुत प्यार करता था सर, उससे मेरी शादी भी होने वाली थी सर, लेकिन मेरे पापा को वो पसंद नहीं थी सर। लेकिन मैं सच कहता हूँ सर कि मैंने उसका खून नहीं किया सर, मैंने उसका खून नहीं किया सर। तो हो सकता है ये खून तुम्हारे पापा ने करवाया। कैसी बात कर रहे हैं आप सर? मैं मानता हूँ कि ईशा मुझे पसंद नहीं थी, मगर भला मैं उसका खून क्यों करवाऊंगा? आखिरी बार कब देखा था उसे? सर, शगुन की रात को वो मुझसे मिलने के लिए आई थी सर, यहीं पर बाहर। लेकिन सर मैंने उसे समझा कर वापस भेज दिया। मैं सच कह रहा हूँ सर कि मैंने उसका खून नहीं किया सर। तो फिर किससे होने वाली थी उसकी शादी? शादी के जोड़े में खून हुआ है उसका, और सुनसान सड़क पे वो किसी का इंतजार भी कर रही थी। चोरी के गहने उनके हैं, जिस गन से खून हुआ वो गन उनकी है, तो खून भी उनमें से ही किसी ने किया होगा ना। हाँ सर, लेकिन अखिलेश और विवान को तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता ना सर, क्योंकि वो दोनों तो होटल में शादी की बुकिंग करने गए थे जिस वक्त खून हुआ। सर, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं हमारे पास। एक सबूत है खूनी तक पहुंचने के लिए। क्या सबूत है सर? ईशा की लाश। लेकिन सर, ईशा की लाश से ये कैसे पता चलेगा कि खूनी कौन है? सचिन, जब हमें ईशा की लाश मिली थी तो उसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे, और डॉक्टर सोहन ने भी बताया कि ईशा ने अपनी शादी में किसी को भी नहीं बुलाया था। हाँ सर, सीधे साधे तरीके से शादी करने वाली थी। 23 अक्टूबर की रात को दुल्हन के कपड़े पहने हुए ईशा शादी करने के लिए बाहर निकली होगी, तो वहीं आसपास के किसी मंदिर में शादी करने का इरादा होगा उसका। हाँ सर, बिना तामझाम के तो शादी मंदिर में हो सकती है। पनवेल में जितने भी मंदिर हैं वहां ईशा की फोटो दिखाओ, पता करो पंचशील रोड पे किसका इंतजार कर रही थी वो। सर, सर ईशा पढ़ी लिखी थी, एक डॉक्टर थी। अगर वो मंदिर में शादी करने वाली थी तो उसने कोर्ट में भी शादी रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन दी होगी। जरूर दी होगी, पता करो कोर्ट में भी। अब आप आहुति के लिए तैयार हो जाइए, मैं मंत्र बोलूंगा, एक एक आहुति डालिए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। माफ करना, अभी शादी नहीं होगी। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे बेटे की शादी क्यों रोक रहे हैं? पहले घर से गहने चोरी हुए और फिर गन चोरी हो गए, और फिर तुम विवान, तुमने शादी करने से मना कर दिया,
और फिर अचानक 72 घंटे बाद तुम ईशा से शादी करने के लिए राजी हो गए? सर ये आपसे किसने कह दिया कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ? एक बार मैंने उसे शादी के लिए मना कर दी, फिर तो सर मैं उसे मिला तक नहीं। फिर वो पनवेल वाले सुनसान रास्ते पे तुम्हारा इंतजार क्यों कर रही थी? सर मुझे कुछ नहीं मालूम। सर हमें मालूम है, तुम्हारे मना करने के बाद किसी ने ईशा से ये कह दिया कि तुम शादी करने के लिए तैयार हो और शादी की तैयारी कर रहे। बेचारी ईशा इतना खुश हो गई, उसके बाद वो जाके पनवेल के मंदिर में 23 अक्टूबर के लिए शादी की बुकिंग भी करा दी और उसने कोर्ट में शादी के लिए नोटिस भी दे दिया। इतना सब कुछ हो गया, मुझे वाकई में कुछ पता नहीं सर। और मंदिर के पंडित ने हमें बताया कि ईशा के साथ वहाँ कोई और भी था। कौन था सर वो? वही खूनी है, और इस शादी के एप्लीकेशन में गवाह के तौर पे उसी का नाम है। जरा आप खुद देख लीजिए। ये नहीं हो सकता सर, क्या लिखा है इसमें? नहीं, ये झूठ है। सिमरन तुम बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों की जिंदगी छीन के शादी रचाने का? क्या कर रही हो तुम? मैं नहीं खूंगी। जो भी मुझे विवान से शादी करने से रोकेगा ना, मैं उसका यही हाल करूंगी, सबको मारूंगी मैं। बेवकूफी मत करो, छोड़ दो पूर्वी को। नहीं छोड़ूंगी मैं। पागल हो गई तुम? हाँ पागल हो गई हूँ मैं। देखो देखो मुझे जाने दो, वरना मैं तुमको मार दूंगी। तुमको मार दूंगी मैं। इस गन में गोली नहीं है, मेरे हाथ की गोली खा। सब लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा होने वाला पति, इन्हें नहीं बताओगी कि क्यों खून किया तुमने? कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली है वो एक खूनी होगी। खूनी बन, मैं तुम्हें जी जान से प्यार करती हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तो इसमें किसी की जान लेने की क्या जरूरत थी? क्या बिगाड़ा था वंदना ने और ईशा ने तुम्हारा? ईशा और मैं बचपन से ही विवान से शादी करना चाहते थे, लेकिन ईशा से ज्यादा मैं विवान से प्यार करती हूँ। लेकिन विवान ईशा से ज्यादा प्यार करता था, लेकिन अपने पिता से डरता है, इसलिए इनके प्रेशर की वजह से वो तुमसे शादी कर रहा था। हाँ। शगुन भरी रात को मैंने ईशा और विभान को मिलते हुए देखा, दोनों शादी को लेकर बहुत लड़ाई कर रहे थे। और तुम्हें लगा कि कहीं विभान तुम्हें छोड़कर ईशा के पास न चला जाए, है ना? हाँ। झगड़े के बाद विभान ईशा को छोड़कर वहां से चला गया, फिर मैं ईशा को एक कोने में ले गई और उसकी और विवान की शादी कराने का भरोसा दिलाया, और वो शादी वाले गहने उसे दे दिए ताकि उसे पूरा विश्वास हो जाए, और मैंने मंदिर में जाके उसके साथ शादी की बुकिंग कराई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 23 अक्टूबर की रात शादी के जोड़े में सज धज के ईशा तुम्हारा इंतजार कर रही थी पनवेल वाले रास्ते पे, लेकिन बेचारी को क्या पता वो अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। बेचारी सोचती रह गई कि सिमरन विवान को लेकर आएगी। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, मगर पता नहीं कहां से वो 15 वहां पर आ गई और उसने मुझे ईशा का खून करते हुए देख लिया। तो इसीलिए वो खानदानी गहने तुमने उसे देकर उसका मुंह बंद कर दिया? वो पागल वो गहने लेके फौरन बेचने के लिए भागी, वो ज्वेलर ने उस पर खून लगा दे दिया। तो तुमने वंदना का भी खून कर दिया? क्या करती? वाह क्या प्यार है, अपना प्यार पाने के लिए खून कर दिया तुमने, और उसे छुपाने के लिए एक और खून। दो दो खून किए तुमने, तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी।